आपका और रागिनी का गठबंधन ना समधन जी के साठगांठ से संभव हुआ था। आप तो पहले ही रिश्ते से इनकार कर चुके थे, लेकिन समधन जी घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर पाए और ये रिश्ता पक्का हो गया। मत जाओ ना रागिनी, तुम्हें मुझे एक आखिरी मौका देना होगा। रागिनी बाबूजी, आप चले जाइए। अगर ये आपको ठीक लगता है तो यही सही, अपने आप को कभी अकेला ना समझे। रोक तो लिया है, अब आगे क्या? लाओ मैं रखे। नहीं हम कोई बात छोड़। थैंक यू। वेलकम। ऋषु जी आप यहाँ पर हैं, हमने आपको सारे घर में ढूंढ लिया। ऋषि जी हम ना मैया को थैंक यू बोलने आए थे, हमें पूरा भरोसा था कि भैया है ना सब कुछ ठीक कर देंगी, और वैसे ही हुआ। अभी घर छोड़ के नहीं गई। ये फोन किसका है? ये तो रागिनी का फोन है। लगता है काकी जी फोन कर रही हैं। हाँ श्रेष्ठी जी, हो सकता है उनको है ना भाभी की चिंता हो रही होगी। आप बात कर लीजिए जी। हेलो नमस्ते काकी जी, हम सृष्टि बोल रहे हैं। जी जी रागिनी बिल्कुल ठीक है, आप वेट कीजिए, हम अभी उसे फोन देकर आते हैं। जी जी आप रागिनी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो अपने ससुराल में है और हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं हम सब। रागिनी मैं जानता हूँ कि सारी गलती तुम्हारी नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ अनफेयर भी नहीं होना चाहता था, पर कोई बात जरूर रही होगी जिसकी वजह से मैं तुमसे नफरत करता था। मिस्टर जी आपने हमें अपने पास रोक तो लिया है, लेकिन अब आगे क्या होगा? आपको अपने बीते हुए कल की कोई भी बात याद नहीं है, लेकिन हमें तो सब कुछ याद है ना, और आज हम वो सब कुछ भुला के आगे कैसे बढ़ सकते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो ये आपके साथ भी धोखा होगा और हमारे साथ भी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाएंगे। I mean, हम अपने रिलेशन को आगे कैसे लेके जाएंगे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट मैं अपने रिश्ते को लेके बहुत सीरियस हूँ। मिस्टर जी जब तक आपका याददाश्त वापस नहीं आ जाता तब तक इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। ये जो सब आप जानते हैं ना, ये आप जिए नहीं हैं, आप सुने हैं। तो जब तक सब आपको याद नहीं आ जाता है तब तक ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं और ना ही आप। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, आई एम श्योर कि तुम भी कुछ वैसे ही सोच रही होगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। लेकिन वो फासला रहेगा, और वो फासला तब तक रखेंगे जब तक आपका याददाश्त वापस नहीं आ जाता। नहीं रागिनी नहीं, आगे क्या हो सकता है ये सोचकर तुम अपना इतना सुंदर आज बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हारा जो डर है हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारा दिल कहता है अनुराग जी नहीं बदलेंगे। जो हमें दिख रहा है, काश हम तुम्हें समझा पाते। प्यार में हो तुम दोनों, पर मजबूर हो। लेकिन हम आज कसम लेते हैं, हम तुम दोनों के रिश्ते को बिखरने नहीं देंगे। भाऊजी, क्या कर रही हैं आप? भाई देवर जी, आप भी का दुलारिया की तरफ बैतू का सवाल पूछ रहे हैं। दिखाई नहीं पड़ रहा है, अनुराग है का साफ सफाई कर रहे हैं। अरे भाऊजी, ऐसे कौन सफाई करता है? जो गद्दे के साथ कर रही है ना, इसको सफाई नहीं कहते, कुटाई कहते हैं। भाई ये तो करना चाह रहे थे, अरे इतना गंदगी जम गया ना इस घर में कि हम साफ करने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन साफ है नहीं हो रहा है। बाकी इतना रात को सफाई का क्या जरूरत है? पूरा 10 बज गया है, सूझ जाना चाहिए तुमको। हमारा मर्जी, हम पूरा रात सफाई करेंगे, कल सुबह तक सफाई करेंगे। तुमको कोई दिक्कत है क्या? अरे दया में मारने का कौन बात है? का भाऊजी, कब से मना कर रहे, मत कीजिए ना। चलिए आप बैठिए, दुलारी पानी लेके आओ, पानी लाओ। हाँ, ये तो हम कर रहे हैं। बुढ़ापा कोनो चीज होता है। ओ बाप, सुनती नहीं है, बस जल्दी लाओ भाई। मैं तुम्हें पानी लूंगा। पानी पीजिए, पानी। जी आपको कहाँ लग रहा है? हम कुछ समझ नहीं रहे हैं। अरे हम सब बूझ रहे हैं, आप ही घर में कौन सा गंदगी का बात कर रही हैं। और ये आप का करना चाहती हैं और का है जो आपसे हो नहीं पा रहा, हम सब समझ रहे हैं। आज तो ये आपके पैर का एक कांटा खुद ही निकल के जा रहा था, पता नहीं कहाँ से अचानक ही विकराल सिंह टपक पड़ा। मती मारी गई थी हमारी, जो जाके हुआ रिश्ता करके आ गए हम लोग। घड़ी को कोस रहे हैं आप देवर जी, थोड़ा सा लालच के चक्कर में ना हम अपना और अपना बेटा का जो है वो जिंदगी बर्बाद कर दिया है। लालच तो पूरा हुआ नहीं, अलबत्ता वो गुंडा को जो है अपना समधी बना लिया और वो गुंडी बेटी को अपना बहू। तो दोनों पाप बेटी जो है ना, वो सनीचर बनकर जो है वो हमारी कुंडली में बैठे हुए हैं और नाच रहे हैं हमारा कपार पर। बात तो तुम एकदम ठीक कर रही हो बुआ, बाकी जो लालच वाला बात तुम कही हो ना, इससे हमको ठीक नहीं लग रहा है। कि तुम तो सोची थी कि बोरा भर के नोट आएगा और नोट के जगह चोट लग रहा है। अब छोटा फूफा ने कहा कि तब बढ़ाइए ना, बड़ा गर्मी लग रहा है। देवर जी, माना कि वो रागिनी पर जो है ना विकराल सिंह का हाथ है, लेकिन वो कानून वाले, उसका बाप विकराल सिंह का जैसा दबंग तो नहीं रहा है, लेकिन उसको भी हम जो है उस घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। दोनों दबराने जेठाने का जोड़ा जो है हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। उसको तोड़ने के लिए हम इतना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा हर बार जो है वो खाली जा रहा है। हमारा तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि दोनों जो है उस घर से बाहर हो जाए। उल्टा हमारे घर में जो है हमारा ये औकात नहीं रखा है। अरे भाऊजी, क्या हो गया है आपको और कैसा बात कर रही हैं आप? अरे घर की मलकाइन हैं आप और हम तो आपके साथ हैं ना, क्या टेंशन ले रही हैं आप? कुछ बड़ा सोचते हैं आपकी बार। प्लान तो जो है ना वो तो बनेगा, काहे को उसका तैयारी जो है वो हमारे दिमाग में चल रहा है। क्या प्लान है आपका? अभी जो है ना वो प्लान जो है वो थोड़ा कच्चा है, जब पक जाएगा ना तब हम आपको बताएंगे। काहे कि इस बार ना हम कोनो गलती नहीं करना चाहते हैं। काहे कि इस बार जो है हम हमारे दोनों बेटा को जो है ना दोनों से मुक्ति दिला कर रहेंगे। विशु जी, आप हमारी बात समझ गए हैं? पक्का समझ गए हैं ना आप हमारी बात? ये जो आपके भैया भाभी है ना, दोनों एक नंबर के बुद्धू हैं, बुद्धू। अरे एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं लेकिन मानने को तैयार ही नहीं है। दोनों अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। अरे बिल्कुल बच्चों की तरह जिद पे अड़े हुए हैं। वो कहती है हमसे प्यार नहीं करते, वो कहते हैं हमसे नफरत करते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सृष्टि जी ये तो आप है ना बिल्कुल ही सही कह रही हैं, लेकिन ये बात तुमको कोई बड़ा समझाएगा तभी तो वो दोनों समझेंगे ना। हाँ, और आप जानते हैं वो बड़े कौन है? हम और आप। तभी तो हम ये प्लान कर रहे हैं ना सृष्टि जी। हमको लगता है कि हमें ना इस मिशन का भी ना कोई नाम देना चाहिए। जैसे हम मशीन बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट का कोई नाम देते हैं ना। गुड आइडिया, लेकिन हम इस मिशन का क्या नाम रख सकते हैं? मिशन मिशन हुआ। मिशन का नाम सृष्टि जी पता चल गया। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। मिशन हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। टननन टननन वो तो म्यूजिक हम डालें। अरे वाह विशु जी, ये बहुत अच्छा नाम है। वेरी गुड, आप मान जाइए हमारी बात कि आप बेस्ट हैं। लेकिन सृष्टि जी आपको क्या लगता है ये दोनों एक साथ तो हो जाएंगे ना? विशु जी अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो अनुराग और रागिनी के बीच का और निकल जाएगा और बचेगा सिर्फ अनुरागिनी। मतलब कि दोनों एक हो जाएंगे ना बहुत जल्द। सृष्टि और टीपू जी हमें और मिस्टर जी को मिलाने के लिए कितना सोच रहे हैं। हम दोनों का जो होगा सो होगा, लेकिन अब हम भी अपने आप से एक वादा करते हैं कि देवर जी और सृष्टि को इतना करीब लाके रहेंगे कि चाहकर भी उन्हें कोई दूर नहीं कर पाएगा। और इसके लिए देवर जी को बहुत समझदारी से काम लेना होगा और उनका साथ देंगे हम। हेलो जी पापा, सच में पापा इट्स अ ग्रेट न्यूज। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम सबको बता के आपको फोन करते हैं। जी पापा थैंक यू। पीशू जी जल्दी चलिए, सबको खुशखबरी सुनानी है। चलिए चलिए जल्दी आइए। एक गुड न्यूज है। अभी अभी पापा का फोन आया है। वो जो रमेश था ना जिसकी वजह से हमें इतनी परेशानी हुई है, उसे अपने किए का फल मिल गया है। उसे 7 साल की सजा हुई है और जिस कॉन्ट्रैक्ट पर उसने क्लेम किया था कोर्ट ने उसे मानने से भी इनकार कर दिया है। इसका मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अनुराग जी को वापस मिल गया है। That's great. ये सब सृष्टि के बाबूजी के कारण संभव हुआ है। थैंक यू सृष्टि। ये सिर्फ हमारे पापा की वजह से नहीं, हम सब की वजह से हुआ है। हम विशु जी तुम अनुराग जी सबकी वजह से। हमारी एक बहुत अच्छी टीम है और अगर हम साथ रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे खिलाफ कौन है। सृष्टि जी जी अरे विष्णु जी आप हमें उल्टा क्यों घुमा रहे हैं? उल्टा घुमा रहे हैं विष्णु जी। आप क्या कर रहे हैं विष्णु जी? हम आज बहुत खुश है सृष्टि जी, हम आज बहुत खुश है। हाँ विष्णु जी पर हमें नीचे उतार रहे दिख रहे हैं। देवर जी बेसरमी का सरहदें पार करती है। चूक गुड मॉर्निंग विशु जी। ओफो आप अभी तक सो रहे हैं, सुबह हो गई है। चलिए 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 उठ जाइए। गुड बॉय उठो चलो। 5 मिनट और सोना। देखिए हम आपके लिए दूध गर्म करके लेकर आए। चलिए कोई बात नहीं, सो जाइए। हम इसे यहाँ रख देते हैं, फिर बता दीजिएगा कब वापस से गर्म करना है। अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं। कितनी जल्दी उठ जाती है? ज्यादा नहीं, बस आपसे 2 घंटा पहले, क्योंकि हमें ढेर सारा काम जो करना होता है। दादी जी की पूजा में मदद करनी होती है, घर का ढेर सारा काम करना होता है, सबके लिए नाश्ता बनाना होता है, उसके बाद हमें दिव्या की पढ़ाई में मदद करनी होती है। बस 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 सृष्टि जी बस। हमने जगने से पहले आप इतना सब काम कर भी लेती हैं। ये तो हमारा काम है ना, और जब तक अनुराग जी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं संभाल लेते तब तक तो हमें उनका काम देखना होगा। चलिए ऋषु जी, हमने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, अब आप जल्दी से नहाने के बाद इन्हें पहन लीजिएगा। अच्छा, आप जग गए हैं तो प्लीज दूध पी लीजिए। नहीं नहीं सृष्टि जी, दूध तो हमें ना ब्रश करने के बाद ही पियेंगे। आप है ना परेशान मत होइए, हम है ना गर्म में खुदिया कर लेंगे। लेकिन हमको एक बात बताइए, आप इतना सब काम करके थक नहीं जाती? हाँ, कभी कभी थक जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। और आज से तो हमारा काम भी बढ़ने वाला है, और सिर्फ हमारा नहीं आपका भी, याद है ना? हाँ सृष्टि जी, हमें याद है। मिशन हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ना चलिए इसी बात पे हाथ मिलाइए। अब आप जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाइए और दूध पी लीजिएगा, भूलेगा मत। ठीक है सृष्टि जी। वाह दुल्हरिया, क्या चाय बनाई हो, एकदम है जो है ना वो तुलसी अदरक और इलायची का एकदम प्रमाण सही है। बहुत बढ़िया, आत्मा तृप्त हो गया हमारा तो। ये बात एकदम में ठीक है बुआ, एकदम अमृत जैसन चाय है। बाकी एगो बात है। का बुआ की जो चाय है वो वकील नहीं बनैले है। का और ये चाय तुम उठा कर ले आई, दो कौड़ी का चाय हमको पिलाने के लिए? आज तुम्हारा हाथ जल टूट गया था, हमारे लिए एक कप चाय नहीं बना सकती थी का? पर जानती हो हमको दोनों का हाथ का चाय भी नहीं भाता है। माफ कर दो, गलती हो गया हमसे। वैसे भी हमारा दिमाग तुम्हारे तरह कंप्यूटर छाप थोड़े, आगे से तुम जैसन कहोगे हम कह देंगे। करोगी तुम, कहोगी ना उसे बेसी कह देंगे। हाँ, ऐसे नहीं करना है, होशियारी से करना है, समझी? तारू अच्छा है, हम तो होशियार बहुत है। हाँ वो तो हम देख ही रहे हैं। अब सुनो हमारा बात, रागिनी और सृष्टि जो है ना, दोनों का जो है पल पल का खबर हमको चाहिए। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, ये सब हमको जानना है, समझी? और देखो सृष्टि को जो है ना तुम पर पहले से शक है, ये सारा काम जो एकदम छिपछिपा के करना पड़ेगा है, और एकदम होशियारी से कर लोगी ना? हम शायद इतना ढेर सारा जासूसी का किताबें ही चलते पड़े होंगे कि एक दिन हम अपना हुनर जरूर दिखाएंगे फूगा को। फूगा तुम खाली बैठ के देखो कि तुम्हारी भतीजी क्या काम करती है। अब हेलो, अब अनुराग जी एक काम करेंगे। हाँ बोलो। अब वो क्या है ना, रागिनी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हमने सोचा था कि नाश्ता उसके कमरे में ले जाएं, लेकिन देखिए ना हमारे पास कितना काम है यहाँ पर। तो अगर आप प्लीज नाश्ता रूम तक ले जाएं तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। सृष्टि, आर यू श्योर कि उसकी तबीयत खराब है? बिकॉज मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। मैं ये लेके जाऊँ क्या? आर यू श्योर? जी अनुराग जी, अब आप नहीं लेके जाएंगे तो कौन लेकर जाएगा? भैया भाभी ने ना आपको है ना जानबूझ के नहीं बताया होगा ताकि आप परेशान ना हो, लेकिन आप उनके लिए नाश्ता लेके जाएंगे ना तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। जी तुम्हें बहुत कुछ पता है इस बारे में। भैया वो क्या है ना, अब हमारा भी शादी हो गया है ना तो थोड़ा बहुत जानते हैं। चलिए अब जल्दी से खाना लेके जाइए वरना ठंडा हो जाएगा। लेकिन सृष्टि ये सब जो... हेलो जी, हम आपके पेपर्स भिजवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हैव पेशेंस। जी 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 हाँ भैया, अब रुकिए ना। अरे ये इतना सारा रागिनी कैसे खाएगी? वो इतना नहीं खाएगी। भैया आप भी ना बुद्धू ही है, रागिनी भाभी अकेले खाना थोड़ी खाएंगी, आपको भी तो उनका साथ देना होगा ना। एक सेकंड, तबीयत उसकी खराब है राइट, तो हम लोग पिकनिक पे तो नहीं आए कि साथ में खाएंगे, तो मैं उसको दे के आता हूँ ना खाना। अब भैया आप पिकनिक ही समझ लीजिए। चलिए चाहिए। ओके छोटे सरकार, फाइन गोइंग। अनुराग जी एक मिनट होल्ड। हाँ थैंक यू, वेलकम। हेलो जी जी बिल्कुल, हाँ हाँ हम सारा काम कर देंगे। बहुत अच्छा मांग रहा है, कुछ खा लेते हैं। कदम ताल करते हुए कहाँ जा रहे हैं, ये तो हमको पता लगाना है। अपना जासूसी शुरू होगा। रागिनी, ये लो हमारा नाश्ता। नाश्ता हमारा? लेकिन आप काहे ले आए मिस्टर जी? तुम्हारी तबीयत। तबीयत? हमारी तबीयत को क्या हुआ है मिस्टर जी? हम तो बिल्कुल ठीक है। इट्स ओके रागिनी, अगर तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे नहीं शेयर करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये नाश्ता लेके आया हूँ, एटलीस्ट ये तो खा लो। लेकिन मिस्टर जी आप काहे नाश्ता लेकर आए हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारे नाश्ता क्यों लेके आ सकता? एक सेकेंड, तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना?